अम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये क्या बचपन है? सिद्दीकी साहब, इसे कहें कि मुझे तंग ना करें और छोड़ दे मेरी परवाह करना। वैसे भी यहां नहीं रहना मुझे, मैं जा रही हूँ लंदन अपनी बहन के पास। सीरियसली अम्मी, से तो मैंने कभी अपने बचपन में जिद नहीं की जिस तरह आप कर रही हैं। बेटा वो ठीक कह रही हैं, मान लो ना इनकी बात। पापा क्या हो गया, आप भी अम्मी की साइड ले? बेटा मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये गलत नहीं कह रही, मान लो इनकी बात। कम से कम ये रोटी तो खाए यार, तो कुछ खाया नहीं सुबह से। और वैसे भी देखो, माँ की एक तमन्ना होती है, वो बेटे के सर पे सेहरा सजा देखना चाहती है। अम्मी यू नो वेरी वेल हाउ मच आई लव यू। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं आपको नाराज करूं। तो फिर क्या फैसला है तुम्हारा? जैसे आपकी मर्जी, वैसे भी मेरी कौन सी मर्जी चल रही। जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे। लेकिन प्लीज एक बात, आप जानती हैं ना, सैरिश मेरी एम्प्लॉई है, और ये भी हो सकता है कि वो इस प्रपोजल पे वैसे रिएक्ट ना करे जैसा आप समझ रही हैं। और आप जो भी बात करें ना, प्लीज खास ख्याल रखना कि ना तो मेरी पोजीशन खराब हो ना ही सैरिश की। मैं समझ गई हूँ बेटा, और तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं जाऊंगी और जाके कहूंगी कि जी आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए मुझे अपने बेटे के लिए? मैं देखभाल के सोच समझ के बात करूंगी। बस एक बात है, तुम्हें बुराई क्या है? उन्हें तो फख्र होना चाहिए कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेके जा रही हूँ सैरिश के लिए। चले अब तो खुश हैं। बहुत खुश हूँ। थैंक गॉड, अब तो कुछ खाएंगी ना? जल्दी से चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। एंड यू है, मैं भी कुलसुम से कहता हूँ। कुलसुम, थैंक यू सो मच। क्या मैंने सही फैसला किया? मैंने अम्मी को तो खुश कर दिया, लेकिन क्या मेरा दिल खुश है? एक अजीब सी कश्मकश है दिल और दिमाग में, जैसे दिल कुछ और चाहता हो और ख्वाहिश कुछ और हो। मगर मैं क्या करूं, मैं अम्मी को भी तो नहीं नाराज कर सकता ना। मैं आपको पीछे से आवाजें लगाती रही, लेकिन पता नहीं आप किस जल्दी में थे कि बस फोन गिरा कर चले गए। ये तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी कोई नेकी काम आ गई। अगर किसी और के हाथ लगता ना फोन, तो वापस भी नहीं मिलता आपको। भतीजे की बर्थडे के लिए केक लेने आए, जो कि सारा खुद खाऊंगी। तुम्हें देखकर एक बार फिर जीने का दिल चाहा था, मगर तुम न जाने पता नहीं कहां इस दुनिया के हजूम में खो गए। आई रियली होप कि सैरिश कहीं और कमिटेड हो, ताकि अम्मी की भी बात रह जाए और मेरी जान भी छूट जाए। I really hope so.